नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज, आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। दो अदद मोटरसाइकिल, एक होंडा शाइन और एक बजाज डिस्कवर के साथ एक शादी चोर गिरफ्तार। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर पुलिस अधीक्षक विजय ढुल के आदेश से उप पुलिस मायाराम वर्मा, दिलीप कुमार सिंह क्षेत्र अधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभारी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गनवारिया मोड़ पर राधेश्याम राय प्रभारी थाना कपिल वास्तु मय पुलिस बल के साथ संगीत वाहन वसियों की चेकिंग की जा रही थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अलीगढ़वाड़ा की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। निशानदेही पर बाजार डिस्कवर यूपी 55 U 168 विश्वविद्यालय गेट के दाहिने पर्यटन विभाग के खंडवर से बरामद किया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना पुलिस कपिल वास्तु पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अपना रूटीन चेकिंग की जा रही थी जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को इंटरसेप्ट किया गया, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। चेकिंग करने पर वो मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई, उसकी नंबर प्लेट भी उसके द्वारा बदली गई थी। उससे जब पूछताछ की गई और उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक कंट्री में फायरआर्म भी बरामद हुआ और उसकी निशानदेही में एक दूसरी मोटरसाइकिल भी बरामद हुई जो कि सूरतगढ़ से चुराई गई थी। पहली मोटरसाइकिल उसके द्वारा बताया गया कि नेपाल से उसने चुराई थी। दोनों मोटरसाइकिल चोरी की हैं। उसने अपने उसमें यह भी कबूल किया है कि इससे पहले वह नेपाल में भी चोरी करते हुए पकड़ा गया था और वहाँ पर जेल भी जा चुका है। इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है और उससे जो भी हमें लापता सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर अधिक कार्रवाई होगी। सिद्धार्थनगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट।